आदाब नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, रेडियो खुशी 90.4 FM ते तुहाडा स्वागत। मैं हाँ तुहाडा डिवाइन ते दिलदार आरजे गुरवेल सिंह ते आ गया लैके प्रोग्राम जीवन जाच। ते दोस्तों जीवन जाच की जब असी गल करते हैं ना तो मैनू एवें लगता है कि एक समा ऐसा हुंदा ही कि जे जिंदगी जीवनी है तो जंगल बहुत जरूरी हुंदे सी। फिर जंगलों तो बाद वो समा आ गया कि जिंदगी जीवनी है ते खेती बड़ी जरूरी हुंदी सी, क्योंकि खेती तो बिना काम नहीं चलता सी। जे खेती है तो भोजन है, खेती नहीं तो भोजन भी नहीं। तो अज का जमाना ऐसा आ गया है कि जंगल और खेती ये तो पिछे रह गया है। तो सब तो अगे जिहड़ी चीज़ आ गई है वो आ गई है इस वेले बिजनेस। जे तो तुहाडा बिजनेस वध फुल रहा है तो समझ लो कि तुसी जिंदगी चंगी तरह जी लवोगे, पर जेकर तुहाडा बिजनेस चंगी तरह नहीं वध फुल रहा, बिजनेस दे विच घाटा पै रहा है तो तुसी जिंदगी चंगी तरह नहीं जीउ सकते। ये गल तो सुहागे ते लकीर दे बराबर है। और मैं इत्थे बहुत सारे ऐसे लोग देखदा हाँ कि जेड़े इसे करके ही बहुत पिछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हां लोकां दा जिहड़ा है वह व्यापार सही तरीके दे नाल नहीं चल रहा हुंदा। और व्यापार दे विच जिहड़ा एक होर चीज़ याद रखने की जरूरत है, खेती करनी है ना तो तुहानू ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं, तुसी इकल्ले ही बहुत कुछ कर सकते हो। पर जेकर तुसी बिजनेस करना है तो बिजनेस तुसी इकल्ले नहीं कर सकते। बिजनेस दे विच जिन्ने ज़्यादा लोग तुहाडे नाल होणगे उन्ना ही तुहाडा बिजनेस है जिहड़ा वो ज़्यादा वधे फुलेगा। तो जेकर तुहाडे बिजनेस दे विच ज़्यादा लोग तुहाडे नाल शामिल नहीं है तो उस बिजनेस दे अगे वधन फुलन दीआं संभावनावां घट जांदीआं, क्योंकि बिजनेस अपने आप नाल नहीं हुंदा। क्योंकि जे असीं कहिंदे हां कि जंगलां दे विच रहण वाले लोग सी जिहड़े वो टोटली जंगलां ते निर्भर हुंदे सीगे, फिर उस तो बाद जमाना आया खेती दा ते खेती ते रहण वाले लोग भी सिर्फ अपने खेतां ते निर्भर हुंदे सी। पर जदों हुण जमाना आ गया है व्यापार दा ते व्यापार है जिहड़ा ये सिर्फ एक जां दो लोकां ते निर्भर होण दे नाल नहीं गल बणेगी। इहदे विच जिन्ने तुहाडे कोल व्यापार दे विच ज़्यादा लोग होणगे उन्नी तुहाडी सफलता ज़्यादा होवेगी, ते जिन्ने लोग व्यापार दे विच तुहाडे कोल घट होणगे उन्नी तुहाडी सफलता है जिहड़ी वह भी सीमित हुंदी जाएगी। और अज दी तरीक दे विच मैं एक चीज़ ये कह देवां कि सानू जो सब तो जरूरी है। हाँ जी नमस्कार सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल जी, रेडियो खुशी दे आप जी का स्वागत जी। हैलो सर, मेरी आवाज आ रही जी? आ रही है। हाँ जी एक चीज है सर, थोड़ा मैं आप जी नू रिक्वेस्ट करांगा, तुसी वीडियो कॉल नहीं मैनू ऑडियो कॉल कर लवो, ऑडियो कॉल ते अपना प्रोग्राम चल जाएगा, वीडियो कॉल ते थोड़ा जिहा मुश्किल होएगा। ते दोस्तों मैं जिस तरह आप जी नू दस रहा सी कि अजोका जो जमाना है, अजोके जमाने दे विच सानू बिजनेस जद करना है तो बिजनेस एक ही बंदे का नहीं हुंदा, बिजनेस दे विच बहुत सारे लोगों नू साथी होना पैंदा है ते फिर जाके बिजनेस हुंदा है। ते अज असी इस विषय ते जेड़ी विचारां दी सांझ करनी है मिस्टर नूर मोहम्मद कसूरी जी दे नाल। और दोस्तों मैं आप जी नू एक गल दस देवां कि जो मिस्टर नूर मोहम्मद कसूरी साहब ने ये चेयरमैन ने इंडो पाक बिजनेस कौंसल दे लाहौर तो, ते उन्हां दे नाल अज असी इसे विषय ते गल करनी है इंपोर्टेंस एंड बेनीफिट्स ऑफ G20। तो सब तो पहले कसूरी साहब मेरी आवाज आप जी तक पहुंच रही जी? सत श्री अकाल सर। बिल्कुल जी बिल्कुल, तो इस वेले तुसी साडे सारे लिसनर्स दे नाल लाइव हो, तुहाडी आवाज है जिहड़ी ओह साडे सारे लिसनर तक पहुंच रही है। तो सब तो पहला असी तुहाडा रेडियो खुशी ते स्वागत करते हैं जी, वेलकम ऑन रेडियो खुशी 90.4 FM सर जी। कसूरी साहब जी, सरदार साहब, हाँ आप जी दा रेडियो खुशी ते स्वागत है। ते सब तो पहले मैं चाहांगा
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰਮ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ 15 ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨੀ ਨੇ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਨੀਤਕਾਲ ਮੋਜਾਲ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਓਐਨਜੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ, ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਅੱਸਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਰ ਔਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਜੀ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਆ, ਬਟ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਰਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ 2018 ਤੱਕ 19 ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਲਿਸਟ ਸੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 4,200 ਐਟਮਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਲ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਾਈਟ ਜਾਂ ਬੈਨ ਲਿਸਟ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰਮ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 3 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 4,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਟਮਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ 200 ਜਾਂ 140 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਐਟਮਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੋ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟਾਈਲ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਜਾਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਬੜਾਵਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਤਜਾਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਜਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਖੁਸ਼ੀ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ G20 ਦਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
क्योंकि मैं कई बार वह गाने सुनता हूं जो भारत पाकिस्तान के चंगे संबंधों से बने हैं, जिन्हों के कहा जाता है कि तुसीं साढ़े अजमेर तक आओ, असी ननकाणा साहब आईए और साढ़े रियली खुला व्यापार होए। जे ये खुला व्यापार भारत पाकिस्तान का शुरू हो जाता है, मेरे कहन का मतलब ये है कि इधरों कोई पाकिस्तान तो मसाले लैके वेचन लई वो सवेरे आंदा है अमृतसर ते वेच के शाम नू वापस चले जाता है, और अमृतसर तो कोई टमाटर लैके लाहौर जाए तो वह वेच के आ जाए। इन्ना खुला बिजनेस हो जाए, ये फायदे की होंगे? देखो जी, पहली गल अगर देखा जाए पाकिस्तान के हवाले नाल, हाँ जी, ते पाकिस्तान दे विच क्योंकि इस वे जिहड़ा है तवाजन दी हिंदुस्तान नाल जो साढ़े तजारती तालुकात बेहतर होंगे ने तो साढ़े जिहड़ी है मंडी उन्दे च तवाजन आ जाता है। हाँ जी, वो ये समझो कि क्यों हिंदुस्तान की पाकिस्तान की जिहड़ी मंडियां ने वो असी हुण देखो ना, एक चीज असी उतो मंगाने ईरान तो या काबल किसी होर जगह तो सानू आंदी है 3 दिन 23 दिन 17 दिन इत्थे असी टेलीफोन करने आ अमृतसर ते अगले दिन ट्रक लगे होंगे ने, समझो कि तकलीफ दे विच तुसी आ जांदे जे तो बंदा बीमार हो जांदा या कोई एक्सीडेंट हो जांदा है ते सब तो पहला तुहाडे पड़ोसी ने पहुंचना हुंदा है। मैं समझना कि हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दे दरमियान जिहड़ी तजारत है वो पाईबंदी ते पड़ोसी दे तौर ते ही असी उन्हूं लैने आ। ते मैं समझना कि अगर इस वेले हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दे दरमियान तजारती तालुकात अच्छे हो जांदे ने जी, ते वो ना सिर्फ हिंदुस्तान का जरा एक क्या जा सकता है कि पाकिस्तान दे विच आम आदमी का भला होगा, हिंदुस्तान का एक वकार है ना सारी दुनिया दे विच वड्डा होगा कि हिंदुस्तान अपने पड़ोसी ममालक चाहे पाकिस्तान है, चाहे श्रीलंका है, चाहे भूटान है, चाहे दूसरे ममालक ने उन्होंने नाल लैके चलन की सलाहियत रखता है। उत्थे भी जिहड़ी लीडरशिप है हिंदुस्तान की वो बहुत जरफ वाली लीडरशिप है, जिहड़ा के वह मजहबी बुनियाद तो बरादरी की बुनियाद तो या इलाकाई बुनियाद तो इलावा वो एक जिहड़ी उन्होंने वड्डियां की सोच सी जिवें कहा जा सकता है अशोक आजम की सी, लॉर्ड कृष्णा की सी, बाबा गुरु नानक जी सोच सी उनके मुताबिक हिंदुस्तान है अगे जा रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि आज जो महान लीडर सी हिंदुस्तान दे हिंदुस्तान नू जदों के दुनिया दे विच किसी जगह भी जमहूरियत नहीं हैगी सी ते लॉर्ड कृष्णा दे जमाने च तुसी देखो हिंदुस्तान वाहिद जगह सी जिथे लोक सभा भी सी, राज सभा भी सी, प्रधानमंत्री दा ओहदा भी सी ते बड़े बड़े लीडर सी जिहड़े लॉर्ड कृष्णा दी जिहड़ी है सी गाइडेंस उनदे विच ओह बड़े बड़े फैसले हुंदे सी, बड़ी बड़ी मतलब जगह कई मामला सी उहनां दे विच सारी दुनिया उस जमाने च जिहड़ी लग उत्थे राज जिहड़े लॉर्ड कृष्णा सी या मतलब हैगा राम दे जिहड़े मन्नण वाले सी उहनां दे दरमियान ओह बहुत अच्छे तरीके नाल फैसले जमहूरी तरीके नाल करांदे सी। हाँ। ते मैं समझना अज उन्हां तालीमात दे उत्ते अमल करन दी जरूरत है। अज असीं बाबे गुरु नानक दी सोच ते चलांगे, राम जिहड़े है राम दी ते लॉर्ड कृष्णा दे अपने सोच ते चलांगे ते कई जिहड़े है ने साडियां मुकालां ओह खत्म हो सकदियां ने। बिल्कुल जी, बहुत वधिया, साडे विच लिसनर्स भी जुड़े हुए ने, भुपिंदर सिंह जी बहुत एप्रीशिएट कर रहे, थैंक यू जी तुहाडा रेडियो ते नाल इन्हां प्रोग्रामां नूं एप्रीशिएट करन दे वास्ते। और जेकर तुसीं भी कोई क्वेश्चन करना चाहुंदे हो तां तुसीं अपने क्वेश्चन सानूं फोन कॉल जां मैसेज राहीं भेज सकदे हो। जिहड़ी भी चीज़ तुसीं इस वेले मेरे नाल, मैं फिर दस देवां कि नूर मुहम्मद कसूरी साहब जिहड़े चेयरमैन ने इंडो पाक बिजनेस कौंसल दे, वो साडे नाल रेडियो खुशी ते लाइव ने, और उन्हां दे नाल तुसीं विचारां दी सांझ जिहड़ी वो पा सकदे हो। और सर इहदे नाल ही मैं अगे चलना चाहांगा आप जी तो, कसूरी साहब जानना चाहांगा कि हुण एक G20 समिट चल रही है दिल्ली दे विच, ये समिट की है इहदे बारे च, क्योंकि बिजनेस दे नाल रिलेटेड है, वड्डे वड्डे लीडर इत्थे आए हुए है, इस सारी समिट नूं तुसीं किस तरह देखदे हो, इहदे बारे भी साडे लिसनर्स नूं तुसीं जानकारी दो जी।
मैं जी 20 पहली तो गल है कि मैं हिंदुस्तान के जेडे आवाम ने जी उन्होंने मुबारकबाद देना बधाई देना कि दुनिया ने एडा वड्डा जेड़ा है ना कट जी मतलब है जिन्हों कहा जा सकता है जेड़ा कि कई सदियां तो बाद होया है ते या आने वाली जी सदियां दे विच भी इहदा जेड़ा असर है वह हमेशा कायम रहेगा। सब तो पहला तो हिंदुस्तान का जी लीडरशिप है भावी हिंदुस्तान के लोग ने हिंदुस्तान की जी है पार्लीमेंट है जमहूरी इदारे ने उन्होंने मुबारकबाद देने कि हिंदुस्तान ने जरा है एडा वड्डा इकट्ठ कराया दुनिया की जी माशी तौर पर सियासी तौर पर बैन अवी तौर पर हिंदुस् दुनिया की क्या जा सकता है इस वे G20 जेडे के अज तो बाद हिंदुस्तान ने क्योंकि 9-10 बड़े होर जेडे ममालक ने जिवें बंगलादेश है मॉरिशस है UAE है होर मुल्कां नूं भी बनाया है ते क्या जा सकता है अमली तौर पे अज तो G20 है ग्रुप पे G30 ग्रुप हो गया है। हाँ जी 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 इनकी जी है हूँ अगे जे वक्त आएगा उनके कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान की आवाज के पिछे दुनिया की 75% आबादी होगी 80% जी 85% मुआशी ताकत होगी। क्या जा सकता है कि 90% जी है दुनिया की बैन अवी लीडरशिप है वह हिंदुस्तान के नाल शाना बशाना होगी तो इन्हें तो वड्डी खुशी की कोई गल नहीं क्योंकि हिंदुस्तान ते पाकिस्तान भाई ने मैं एक शेर याद आ गया जरूर जरूर जी ओ संपत और सपूत में सबको साजो हुए ये हमारी राजस्थानी जुबान में है। मैं क्योंकि हमारा खानदान है राजस्थान से माइग्रेट हो गया है जी जी तो वहां एक कहा जा सकता है कि संपत और सपूत में सबको साजो हुए नथु काल कपूर सु नथु काल कपूर सू बोसा है ना कोई। इसका ये मतलब है कि जो समा होता है जैसे वक्त है जैसे बारिश है खुशहाली है धूप है साया है उससे फायदा सब लोग ही उठाते हैं जी। और जब ये कहत आता है तो उससे किसी का भी भला नहीं हो सकता जी जी जी। इसी तरीके से आपका कह सकते हैं कि जो भगत कबीर थे उनका एक बड़ा है कि नारंगी को नारंगी कहे रंगी को नारंगी कहे बने दूध को खोया जी रंगी को नारंगी कहे बने दूध को खोया चलती को गाड़ी कहे देख कबीरा रोया। जब हम अच्छाई की तरफ चलेंगे तो संपत भी अच्छा होगा खुशहाली भी आएगी और तरक्की भी होगी। जब हम बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जब हम तरक्की दी साइड चलांगे उहदे सानू बहुत सारे फायदे है जिहड़े ओह मिलणगे और साडा जिहड़ा है वह तरक्की ते विकास रियली वधेगा और असीं अगे जावांगे। जी जी कसूरी साहब ते आ जड़ा एडा वड्डा कट होया है इन्दे पिछे ओ एक दिन दी सोच नहीं हैगी जी। भारत दी जड़ी जमहूरियत है रवादारी है सैकुलर सोच है इंदियां बुनियादा बड़ियां मतलब है मजबूत ते कदीम ने ते क्या जा सकता है कि लॉर्ड कृष्णा दे नाल जेड़े उस जमाने दे लोग सी जिन्हां नूं क्या जा सकता है महात्मा विदर जी पितामा भीष्म जी युधिष्ठिर जी जो धर्मराज युधिष्ठिर जेड़े उस जमाने च कुल गुरु सी ते द्रोणाचार्य साहब आचार्य जी सी उन्होंने हिंदुस्तान की एक मजबूत सोच एक मजबूत बुनियादा दी उस वेले बुनियाद रख दी सी उस तो बाद उसनू अगे वधाया चंद्रगुप्त मौर्य ने वधाया उस तो बाद उन्नू क्या जा सकता है कि अशोक आजम ने वधाया उस सोच नू उस तो बाद क्या जा सकता है कि हिंदुस्तान की रक्षा वास्ते जिन्हां लोगों ने कुर्बानियां दित्तियां मतलब बुनियादी तौर मजहब भी मामला तो बालातर होके जिन्होंने कहा जा सकता है राणा सांगा सी अपना राणा महाराणा प्रताप सी पर
ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰੇ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਰੂਨੀ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਤਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹੀਰੁਦੀਨ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਸਨ ਖਾਨ ਮੇਵਾਤੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਣਾ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਲਾਰਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰਵਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਆਪਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਡੀਓ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ G20 ਸਮਿਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਸਰਨ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੌਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਖੂਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਕਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਫਲ